क्यों? मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो शायद सुन के आपको थोड़ा सा कड़वा लगेगा, लेकिन सत्य यही है। जब हम छोटे थे ना, जब हम धीरे धीरे खड़ा होना सीखा था, तब हम गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे। लेकिन ऐसा बार बार करने से हम खड़े हो गए और चलना भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमने किसी से कोई कंप्लेन नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, किसी सड़क से हम कंप्लेन नहीं किया कि ये मेरे को गिरा दिया, या फिर हम अपने मम्मी पापा से शिकायत नहीं किया कि इनके कारण हम गिर गए। लेकिन आज हम ये शिकायत क्यों करते हैं कि मैं इस कारण पढ़ाई नहीं कर सकता, इस कारण मैं बिजनेस नहीं कर सकता, इस कारण मैं कहीं जा नहीं सकता। साथियों, अपनी गलती को आप खुद मानिए। आप जानते हैं, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा ये रूप एक शीशे की तरह है, एक शीशे की तरह। जब शीशे पे धूल जम जाती है ना, कुछ दिखाई नहीं देता है। हम बचपन से यही, हमने यही किया है, उस शीशे पे धूल जमने दिया है। लोगों के आसपास के लोगों के बातों को सुनकर, नेगेटिविटी को सुनकर, हमने उस शीशे पे धूल जमने दिया है। और वो आज हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे हम क्या कर सकते हैं या क्या करना है। मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, एक बार वो शीशा साफ करके देखिए, एक बार वो शीशा को साफ करके देखिए, एक बार उस पे वाइपर लगा के देखिए। यकीन मानिए, वो रास्ता आपको सीधा नजर आएगा जहां पे आप जाना चाहते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो चीज आप करना चाहते हैं। आप एक बार साफ करके तो देखिए, आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने कहा है ना कि आंखों में मंजिल थी, गिरे गिरकर संभलते रहे। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में जलते रहे, चिराग आंधियों में जलते रहे। साथियों, मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है। मैं यही बताना चाहता हूं आपको कि आप एक शीशे की तरह हैं और उस शीशे पे धूल जम गया है। उस धूल को आप साफ कीजिए, रास्ता खुद में खुद नजर आएगा। जब वहां तक आप पहुंचेंगे, तो उसके बाद वहां से आगे का रास्ता नजर आएगा। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगा लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने वो शीशे का धूल साफ किया या नहीं किया। धन्यवाद।